बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमेशा के लिए जवानी चाहते हो तो पुदीने का पानी रोज़ाना पी लिया करो। कमज़ोर अफराद थोड़ा सा लौंग का सफ़ूफ दूध के साथ या पानी के साथ इस्तेमाल करें। कुछ अरसे के बाद नतीजे आपके सामने होंगे। अनार खाओ, क्योंकि अनार का एक एक दाना मैदे में जाकर दिल को रोशन करता है और 40 दिन तक शैतान को निकाल देता है। चीनी का इस्तेमाल रात के वक्त तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, इसका बेहतरीन वक्त दिन का है। केला भी रात के वक्त बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, इसका बेहतरीन वक्त दिन का है। गाय का दूध हाफिज़े को मजबूत करता है और दिमाग को तेज़ करता है। ज़्यादा गर्म खाना खाने से फेफड़े ख़त्म हो जाते हैं और दिल की कमज़ोरी का बाइस भी बनता है। आँखों में हमेशा सुरमा का इस्तेमाल करना चाहिए, काजल से आंखों की नज़र कम होती है। जो औरतें अपनी ज़िंदगी खुशहाल करना चाहती हैं, उनको चाहिए कि चुगली की आदत छोड़ दें और हसद करने से बची रहें। चेहरे का रंग सांवला हो तो लीमू का पानी चेहरे पर लगाकर सो जाओ, चेहरा गोरा चमकदार और सफ़ेद हो जाएगा। नाज़रीन करम, नहाते वक्त पानी में नमक डालकर नहाने से बगलों से पसीने की बदबू नहीं आती। अंडे की सफ़ेदी को सर पर लगा लेने से सर के बाल नहीं गिरते। पेशाब में ज़्यादा पीलापन आना शुरू हो जाए तो लीमू पानी इस्तेमाल किया करो। हमेशा सेहतमंद रहना चाहते हो तो रोज़ाना खजूर खाओ। नहार मुँह अंगूर के कुछ दाने खा लेने से इंसान का दिमाग तेज़ होता है। अजवाइन पानी में उबाल कर मुँह धोने से दाग धब्बे ख़त्म हो जाते हैं। अगर जिस्म पर गर्मी के दाने निकल आएँ तो सरसों का तेल गर्म करके लगाओ, इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगे। वज़न कम होना शुरू हो जाए तो पके हुए केले खाने से वज़न दोबारा ठीक हो जाएगा। पानी नीम गर्म पीने से दिमाग तेज़ हो जाता है। जिनका मैदा कमज़ोर हो उन लोगों को चाहिए कि सुबह के नाश्ते में थोड़े से जामुन खा लें, मैदा भी मजबूत होगा और ग़िज़ा भी जल्दी हज़म होगी। गन्ने का रस गले में ख़राश और नज़ले के लिए बेहतरीन इलाज है। गन्ने का जूस बुखार की शिद्दत को तोड़ता है। गन्ने का जूस हड्डियों को मजबूत करेगा, खून की कमी के शिकार लोगों के लिए इंतहाई मुफीद चीज़ है। जिन लोगों को शुगर या ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो वो मकई का इस्तेमाल किया करें, इसमें आयरन की वाफर मकदार होती है, यह खून की कमी दूर करती है। नकसीर का खून बंद करने के लिए हरा धनिया इस्तेमाल करें। पेशाब की जलन दूर करने के लिए पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। नाज़रीन कराम, अगर आपको रात को नींद ना आ रही हो तो पाँव के तलवों पर खालिस सरसों के तेल की मालिश करो और एक चमचा शहद का खा लो, सुकून की नींद आएगी। अजवा खजूर खा लेने से कैंसर जैसी बीमारी में आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लगती है। जिन लोगों को गर्मी में चिड़चिड़ापन रहता हो वो आलू बुखारे का जूस पिया करें। दही का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करो, इससे झुर्रियाँ कम हो जाएंगी। 50 साल वाली औरत अगर 20 साल जैसी दिखना चाहती है तो रोज़ाना सोते वक्त चिलगोज़ा खा ले, कुछ दिनों में पचानी नहीं जाएगी। ज़्यादा ठंडा पानी मैदे को बड़ी आंत को नुकसान पहुंचा कर कैंसर की बीमारी का सबब बनता है। चेहरे की जिल्द चमकती धमकती बनानी है तो चेहरे पर बादाम के तेल से मसाज करो। जो बच्चे ज़्यादा रोते हैं उनके सर की जैतून की तेल से मालिश करो, बच्चे रोएंगे नहीं। जो ख़वातीन खड़े होकर काम करने की आदी हों वो जल्दी बूढ़ी हो जाती हैं। जो और रोज़ाना इमली आलू बुखारे का शरबत पीती हैं उसका रंग कभी काला नहीं होता। हसद बोग्स और रंजो गम बदन को गला देते हैं। खाना हमेशा हंसी खुशी से खाने से जल्दी हज़म हो जाता है। सेब नज़र तेज़ करने के लिए बेहतरीन है। सर दर्द हो तो आंखें बंद करके लेट जाओ, ज़्यादा गुस्सा आने लगे तो कुछ पढ़ना शुरू करें। आलू बुखारा खून की कमी को फौरन दूर कर देता है। दिल की धड़कन तेज़ होती हो तो सोते वक्त ठंडे पानी में पैर भिगोएं, दिल की धड़कन नॉर्मल हो जाएगी। पेशाब करते वक्त बातें करने से आपको भूलने की बीमारी लग सकती है।
भिंडी की सब्ज़ी खाने से शुगर की मकदार नहीं बढ़ती। बेर खाने से सांस फूलने की बीमारी दूर हो जाती है। नाज़रीन कराम, तेज़ी से रोटी खाने वाला इंसान दिल की बीमारी में मुब्तला हो सकता है। रोज़ाना योगा करने से आपके पेट की और शुगर वगैरह जैसी बीमारियां नहीं होतीं।